We are covering our next topic, that is conservation of medicinal plants. So let's start. अब सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन की. कंजर्वेशन का मतलब हो गया कंजर्व करना, बचाव करना. किसका? हमारे मेडिसिनल प्लांट्स का. तो जो मेडिसिनल प्लांट्स और हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एज आर डेवलपिंग कंट्रीज. तो एक बहुत वेल नोन फैक्ट ये हो गया कि जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरा पूरा हमारा क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है, जो हम कलेक्ट करते हैं सीधे सीधे वाइल्ड नेचर से हमारी. लेकिन स्टिल क्या है, जो हमारी मेडिसिनल प्लांट डाइवर्सिटी है वो एग्जॉस्ट होती है किसी ना किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या मैन मेड डिजास्टर की वजह से, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे जितनी भी डाइवर्सिटी है वो दिन ब दिन डिक्लाइन होती जा रही है. ये सोच हमारी जो है ये हमें बदलनी होगी, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स न केवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो अगर इनकम सोर्स की बात करें तो इसके कल्टिवेशन से फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है. इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसी वजह से इंस्टीट्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ने इंट्रोड्यूस किया था एक प्रोजेक्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स को, कि जिससे कि हमारी मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व किया जा सके. अब कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड क्या है? तो कंजर्वेशन जब हम करते हैं प्लांट्स का, तो वो सपोर्ट करता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बाय प्रोटेक्टिंग एंड यूजिंग द बायोलॉजिकल सोर्सेज इन सच अ मैनर कि जो आगे हमारी वर्ल्ड की वैरायटी है मेडिसिनल प्लांट्स की, जीन्स की, स्पीशीज, वो कभी भी डिक्लाइन ना हो और हमेशा हमारे को हमें क्या है सपोर्ट करती रहे वो हर तरीके से, और ना ही उसके अंदर किसी भी तरीके का डैमेज कॉज हो. तो कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर हम कलेक्शन भी करते हैं, प्रोपोगेशन भी करते हैं, करेक्टराइजेशन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, डिजीज इंडेक्सिंग, एलिमिनेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है कंजर्वेशन के अंदर आती हैं. अब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी हमारा सेंट्रल पार्ट है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का, जिसके अंदर हमारे दो मेथड आते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. अब इनका मतलब क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर जब हम किसी मेडिसिनल प्लांट को कंजर्व करके रख रहे हैं, दैट इज प्रोटेक्टिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, रिप्लेसमेंट एंड ड्यूटोरेशन. जो खराब हो चुकी है, जो रिप्लेस हो चुकी है, ये धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो इसके अंदर हम डीएनए स्टोरेज, पॉलन स्टोरेज, इन विट्रो कंजर्वेशन, जीन बैंक, बोटेनिकल गार्डन, इन सब मदद से हम एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं. इसी में फिर हमारे इन सीटू कंजर्वेशन आते हैं, जिसमें हम क्या है प्लांट्स को कंजर्व करके रखते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट्स में, तो वो हमारा कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन. जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ये सब. अब इसके अंदर भी क्या रहता है हमारा, जैसे ट्रेडिशनल मेथड भी फिर हमारे आते हैं कंजर्वेशन के, कि जनरली जो रूरल पेपर होते हैं वो अपने क्या फ्यूल वगैरह लकड़ियों से, मेडिसिन फ्रॉम वेजिटेबल अराउंड देम ऑब्टेन कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, दे कैन नॉट मीट द एक्सटेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड मॉडर्न मेडिसिन, जिसकी वजह से क्या है वेजिटेटिव लॉस होता है और इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता है, क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स नहीं होती, तो इसलिए वो क्या है हमारी इसी डाइवर्सिटी को यूज़ करते हैं. तो कंजर्विंग के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें कटिंग डाउन करनी चाहिए ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज, उसको डिस्करेज करना चाहिए हर तरीके से. हम किसी भी तरीके से अपने मेडिसिनल डाइवर्सिटीज को कट डाउन नहीं करेंगे किसी भी केस में. अब प्लांट को ग्रो कराएंगे एग्जॉटिक एंड इंडिजीनियस ट्रीज को बाय लोकल पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग को इनक्रेज करेंगे, जिससे कि जो हमारी लॉस्ट बायोडाइवर्सिटी है वो जल्दी से जल्दी रीगेन हो सके. फिर एक नेशनल टी प्लांटिंग ट्रेक अभी हमें इनाग्रेशन करना चाहिए, नेचर रिजर्व बनाने चाहिए, जिससे कि ये सारे मेथड्स हमारे क्या हैं एक तरीके का क्रूशियल रोल प्ले करें कि जो हमारी डाइवर्सिटी लॉस्ट हो चुकी है, हम खो चुके हैं, वो दोबारा से क्या हो सके, रीस्टोर हो सके. और सच मेथड्स हैव बीन टेकन फॉर ट्रेडिशनल प्लांट कंजर्वेशन, लेकिन स्टिल क्या है कुछ लोकल पीपल इस चीज़ को नहीं मानते, जिसकी वजह से वो ट्रीज को कट डाउन करते रहते हैं. तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन रूल्स को फॉलो करें और स्ट्रिक्टली लोगों से फॉलो भी करवाएं, जिससे कि क्या है जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे और हमें ऑल ओवर लाइफ उससे मेडिसिनल बेनिफिट्स
मिलते रहे हमें। नेक्स्ट बात करते हैं जर्म प्लास टेक्निक की। तो जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है यानी कि टोटल कंटेंट ऑफ जीन्स, वो ट्रांसफिट होता है टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जर्म सेल्स, यानी कि जो हमारे मेल और फेल गीमेट्स हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म। तो ये क्या करता है, ये ब्रीडर को एक तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग वेरियस क्रॉप्स। इसी वजह से जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोसेस है इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो जब हमने जाना है कि प्लांट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर, तो जो मैन था उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड सेविंग सम यूजफुल सीड्स एंड वेजिटेटर प्रोप्यूल्स। प्रोप्यूल्स का मतलब हो गया ऐसे प्लांट के पार्ट जो प्लांट से डिटैच हो जाते थे ड्यूरिंग द ग्रोथ, और गिरने के बाद वो एक नए स्पेसिफिक प्लांट में ग्रो हो जाते हैं फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो इस प्रिमिटेड बट कन्वेंशनल जर्म प्लास प्रिजर्वेशन ने और मैनेजमेंट ने बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, यानी कि हम इस टेक्निक के थ्रू क्या है प्रिजर्व करके रख सकते हैं हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी को पर्टिकुलर प्लांट और जेनेटिक स्टोर फॉर इट्स फर्दर यूज। अगर रिसेंटली बात करें तो प्रिमिटिव और कन्वेंशनली यूज एग्रीकल्चर प्लांट्स उनको रिप्लेस कर दिया गया है वेरियस न्यू प्लांट स्पीशीज और डिजायर्ड एंड बेटर करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया था हाइब्रिड्स के केसेस में भी हमने यही किया है। फिर हमने एंडेंजर्ड प्लांट्स को भी कंजर्व कराया, अदरवाइज वैल्यूएबल जेनेटिक ट्रेट्स जो हैं यानी कि वैल्यूएबल जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पर्टिकुलर प्लांट की, वो हम लूज कर देंगे। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स IBPGR एस्टेब्लिश्ड फॉर जर्म प्लांट कंजर्वेशन, जिसका एम था टू सपोर्ट द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कंजर्वेशन यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे जर्म प्लांट्स की, जैसे कि सम क्रॉप्स फेल टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स, कुछ क्रॉप्स में इतना ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। फिर कुछ सीड्स हमारे क्या हैं रिमेन वायबल फॉर लिमिटेड टाइम ओनली एंड आर रिक्लेन टू स्टोरेज, हम लंबे टाइम तक उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते। फिर सम सीड्स रैपिडली डिप्रिशिएट ड्यू टू सीड बॉर्न पैथोजेंस, कुछ माइक्रोबियल अटैक की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। एंड सम सीड्स आर वेरी हेटरोजाइगस, दे आर सूटेबल फॉर मेंटेनिंग टू जीनोटाइप्स, उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो जर्म प्लास टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक टेक्निक भी है फॉर प्रिजर्विंग आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, बस के साथ साथ कुछ लिमिटेड डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब जो हमारी जर्म प्लास टेक्निक है इसके अंदर हमारे दो मेथड आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब हो गया इट रिफर्स टू जर्म प्लांट कंजर्वेशन इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट बाय क्रिएटिंग अ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए हमारे, जीन सेंचुरीज हो गई, मतलब हम उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में उनके उनको क्या कर रहे हैं स्टोर करके रख रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं। एंड दे हेल्प इन प्रिजर्विंग लैंड प्लांट्स इन द सराउंडिंग नेचुरल हैबिटेट अलॉन्ग विद सेवरल वाइल्ड रिलेटिव विद द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जो हमारा इन सीटू कंजर्वेशन है वह ऑल्दो एक हाई प्रायोरिटी जर्म प्लांट प्रिजर्वेशन प्रोग्राम है, बस उसकी भी कुछ लिमिटेशन हैं, जैसे देर इज अ रिस्क ऑफ जर्म प्लांट लॉस ड्यू टू इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, कोई इन्वायरमेंटल कैलेमिटी या नेचुरल डिजास्टर की वजह से। द मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। जाहिर सी बात है जब हम नेचुरल हैबिटेट में उन्हें स्टोर करके रख रहे हैं तो उनका जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी हाई रहेगा। सेकेंड हमारी आती है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके अंदर क्या है, हम कंजर्वेशन करते हैं ऑफ जर्म प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट मटेरियल्स। तो जो जेनेटिक मटेरियल हम ऑब्टेन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड और फ्रॉम इन विट्रो कल्चर लाइक प्लांट सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स, तो उनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे कि जीन बैंक्स में। तो प्रॉपर नॉलेज भी हमें होनी चाहिए जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स की एंड ऑफ द टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग रीजनरेशन मेंटेनेंस ऑफ जीन पूल्स एक्सेट्रा, जिससे कि हम क्या एक प्रॉपर जीन बैंक को स्टैब्लिश कर सकें और उसे मेंटेन कर सकें। क्योंकि अगर अगर हमारे पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है उस बारे में तो हम इनमें से कोई भी मेथड को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जर्म प्लांट कंजर्वेशन हम इन द फॉर्म ऑफ सीड्स भी करते हैं, जो इजिएस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है ऑफ जर्म प्लांट कंजर्वेशन, बिकॉज इसके अंदर क्या है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड होती है, कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड एंड ऑल्सो मेनी प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड यूजिंग सीड्स।
इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारी, जैसे विद टाइम सीड क्या है उसके अंदर उतनी वायबिलिटी नहीं रहती, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं रहता है टाइम के साथ। फिर उनके अंदर भी क्या है, इंसेक्ट और पैथोजन अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेंटेनिंग क्लोन्स टू सीन कंजर्वेशन ये पॉसिबल नहीं है। फिर सम सीड्स हमारे हेट्रोजीनियस भी होते हैं, जिनके जो अपने क्या है जीनोटाइप्स को मेंटेन करके रखते हैं। तो इन सारे केसेस में हम क्या है इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम प्रॉपर पहले उस चीज़ के बारे में स्टडी करें। स्टडी करने के बाद किस तरीके से हमें कौन सी चीज़ को पुल आउट करना है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने बताया इन सीटू कंजर्वेशन में अलग है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में अलग है। तो अलग अलग टेक्निक्स समझना है और फिर उसको किस तरीके से मेंटेन करना है वो बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन मेथड्स की। तो ये इन विट्रो मेथड्स हैं हमारे जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के। उनसे हम शूट्स, मेरिस्टेम्स, एम्ब्रियोस को यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत सूटेबल रहते हैं फॉर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स। और ये मेथड बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है यूज फॉर प्रिजर्विंग प्लांट्स विथ रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, जिसका मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा अपोजिंग करते हैं हमारे टाइम के साथ अपनी वायबिलिटी के अंदर, एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड मटेरियल्स। तो इसके अंदर हमारे तीन अप्रोचेज आती हैं, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन है, कोल्ड स्टोरेज है, और लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज है। सबसे पहले बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की। तो क्रायो प्रिजर्वेशन या फ्रीज प्रिजर्वेशन, जो हमारे ग्रीक टर्म कैरियोस, इसका मीनिंग होता है फ्रॉस्ट। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं उसको एक फ्रोजन स्टेट में। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल यही रहता है कि हम अपने टेम्परेचर को इतना ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, जिसके अंदर जो हमारे प्लांट सेल्स और टिश्यू कल्चर हैं उनको हमारे उनके अंदर हम एक जीरो मेटाबॉलिज्म की स्टेट ले आते हैं, यानी कि उनके सेल्स नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चले जाते हैं। एंड इट रिफर्स टू जर्म प्लाज्म स्टोरेज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जैसे ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एट -79 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर एट -80 डिग्री सेल्सियस, इन वेपर फेज नाइट्रोजन एट -150 डिग्री सेल्सियस। तो जो मोस्ट कॉमन क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक रहती है उसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसका टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हमारे जो सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं और उन्हें हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्रायो प्रिजर्वेशन है, इट हैज बीन अप्लाइड फॉर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज आई राइट, राइस, वीट, पीनट, शुगर केन, और जो हमारे प्लांट की सेल्स हैं, मेरिस्टेम्स हैं, एम्ब्रियोज हैं, उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन के हेल्प से। क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो हमारा वाटर कंटेंट होता है सेल्स के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लिक्विड टू अ सॉलिड स्टेट, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलर सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारा सेल्यूलर वाटर होता है फ्रीज हो जाता है टेम्परेचर लोअर देन अप टू -68 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रीजिंग हो जाती है हमारे प्योर वाटर की। तो स्टोर करके रखते हैं हम प्लांट के सेल्स को, टिश्यूज को एट लो टेम्परेचर, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है और बायोलॉजिकल डिटियोरेशन भी। टेक्निक की बात करें तो टेक्निक में हम सबसे पहले क्या है एक स्टीराइल टिश्यू कल्चर को डेवलप करते हैं, द एबिलिटी ऑफ एक्सप्लांट टू सर्वाइव इन क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहें जिसके अंदर हमारे टिश्यू और सेल्स डाई ना करें। फिर उसके अंदर हम क्रायो प्रोटेक्टेंट और प्री ट्रीटमेंट करते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट में हमारे कंपाउंड आ गए जो क्या है सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करते हैं बाय फ्रीजिंग एंड थॉनिंग, रैपिड कूलिंग और हीटिंग में। फिर फ्रीजिंग करते हैं उसके अलग अलग मेथड से, स्लो फ्रीजिंग से, रैपिड फ्रीजिंग से, स्टेप वाइज से, ड्राई फ्रीजिंग से। फिर स्टोरेज भी करते हैं उसके अंदर। स्टोरेज के अंदर क्या करते हैं, आफ्टर फ्रीजिंग स्टोरेज ऑफ फ्रोजन कल्चर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि फ्रॉम रेंजिंग टू -70 डिग्री सेल्सियस टू -196 डिग्री सेल्सियस। तो चीफ एम स्टोरेज का हमारा यही रहता है जो हमने सेल लिया है उसकी वायबिलिटी मेंटेन रहे बाय प्रिजर्विंग द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट टाइप हमारी आती है थॉनिंग। थॉनिंग में हम क्या करते हैं, इट इज कैरीड आउट प्लेसिंग द फ्रोजन सैंपल इन एम्प्यूल्स, जिनको फिर हम वार्म वाटर में इमर्स कर देते हैं जो मेंटेन किए जाते हैं 37 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और विग्रेस स्वेलिंग करती जाती है। तो इसमें जो रैपिड थॉनिंग होती है वो 500 से 750 डिग्री सेल्सियस पर मिनट रेट पे की जाती है,
एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर आइस क्रिस्टल इज प्रिवेंटेड एंड दस प्रोटेक्टिंग द सेल्स फ्रॉम डैमेज। फिर इनको रिकल्चर किया जाता है, फिर मेजरमेंट किया जाता है और इनका सर्वाइवल और वायबिलिटी रेट को बाय नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स ग्रोइंग एंड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स थॉट इंटू 100। और फिर क्रायो प्रिजर्वेशन के लास्ट स्टेप आती है प्लांट रीजनरेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में जर्म प्लास्ट का कैरी आउट किया है फॉर रीजनरेशन ऑफ डिजायर्ड प्लांट, जिसको हम नर्सिंग और ग्रोइंग करते हैं बाय ऑन द क्रायो प्रिजर्व सेल्स एंड टिश्यूज सुटेबल प्लांट ग्रोथ और रीजनरेशन कैन बी अचीव्ड बाय सुटेबल मीडियम। फिर सेकेंड हमारी आती है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी हम यही सब करते हैं। इट रिफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट दैट रो लो एंड नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर रेंज। वहाँ पे फ्रीजिंग कम्प्लीटली कर रहे थे, यहाँ पे फ्रीजिंग रेंज तक लेके आते हैं अराउंड 1 to 9 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो प्लांट ग्रोथ मटेरियल इन कोल्ड स्टोरेज इज डिलेड इन कंपेरिजन टू कम्प्लीट स्टॉपेज इन क्रायो प्रिजर्वेशन। फिर हमारा लास्ट है लो प्रेशर और लो ऑक्सीजन स्टोरेज। लो प्रेशर के अंदर क्या है, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो सराउंडिंग एटमोसफेरिक प्रेशर होता है द प्लांट मटीरियल उसको लोअर डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्शियली रिड्यूस हो जाता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय सराउंडिंग गैसेज ऑन द जर्म प्लांट, जिसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर है वो लोअर हो जाएगा इन द इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग प्लांट मटीरियल फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम। ऐसी लो ऑक्सीजन स्टोरेज में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर देते हैं बट द एटमोसफेयरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं बाय एडिंग इनर्ट गैसेज लाइक नाइट्रोजन। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा हमारा ऑक्सीजन का वो लो डाउन हो जाएगा अराउंड बिलो 50 mmHg, जो क्या है रिड्यूस कर देता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को। इसकी वजह से हम प्रिजर्व करके सकते हैं अपने प्लांट के मटेरियल्स को सो दैट दे कैन बी फर्दर यूज फॉर द डिफरेंट टेक्निक्स। अब बात करते हैं जीन बैंक की। तो जीन बैंक इज रिक्वायर्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक वेल्थ है जो हमारे प्लांट की। तो हम जानते हैं जैसे कि ह्यूमन फीड्स ऑन प्लांट, तो उनको हम कंजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड्स, वेजिटेटिव फ्यूल्स, टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियोज, गैमेट्स और सेल्स एंड डीएनए एक्सेट्रा। तो जब हमारे सीड्स होते हैं एज वेल एज वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड कोनल मटेरियल है जो, उनको हम मेंटेन करके रखते हैं इन विट्रो क्रायो एंड फील्ड कंडीशंस। इन विट्रो का मतलब हो गया हम स्पेसिफिक कंडीशंस डेवलप कर रहे हैं आउटसाइड द माइक्रो आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, और इन वीवो का मतलब हो गया जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम के खुद के अंदर काम कर रहे हैं विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारे प्लांट जीन बैंक है उनका मेन एम ये रहता है टू प्रिजर्व द जेनेटिक बायोडायवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ सीड्स कटिंग इन द केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस प्लांट्स अलॉन्ग विद द सम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिससे क्या है जो हमारा प्लांट मटेरियल अवेलेबल है फॉर यूज इन रिसर्च एंड प्लांट ब्रीडिंग उसको हम यूज कर सकें इन फ्यूचर। तो जो हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको कंजर्व करते हैं आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, तो इसलिए इसको एक्सीटू के कंजर्वेशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो जो हमारी ड्यूरेबिलिटी रहती है ऑफ सीड्स उनको इंक्रीज किया जाता है बाय ड्राइंग देम फर्स्ट एंड कीपिंग एट लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या है उनके अंदर जर्मिनेटिंग ना हो सके ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो जीन बैंक्स के अंदर हम इंश्योर करके रखते हैं जो हमने सीड्स कलेक्ट किए हैं वो अलाइव रहे, इसके लिए उनका टाइम टू टाइम इवेल्युएशन भी किया जाता है जिससे कि उनकी वायबिलिटी यानी कि जो उनकी रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो चेक की जा सके। तो इसके भी कुछ अपने पर्पसेस रहते हैं, जैसे द कैरी आउट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सीड्स, दे आर सोर्सेज फॉर कलेक्टेड इलाइट एंड एंडेंजर्ड मटीरियल्स, दे इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिक एंड इंडिजीनियस जर्म प्लाज्म, फिर दे ऑल्सो असिस्ट इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ फॉर द रिसर्च पर्पसेज एंड दे क्रिएट एंड ऑपरेट अ डेटाबेस एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑल्सो। कमिंग टू आर लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, टिश्यू कल्चर। तो जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, टिश्यू को कल्चर करना ये एक तरीके की एक नोवल अप्रोच है जो हमारी डेवलप की गई है। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरिंग द प्लांट्स एंड इंक्रीजिंग द सर्वाइवल रेट। मतलब हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू क्या है अपने प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व कर सकते हैं एंड इवन हम क्या है उनके सर्वाइवल रेट को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की ऐसी अप्रोच है जिसमें हम क्या है बायोटेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके हम क्या है कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स, कुछ नेचुरल कंपाउंड्स प्लांट्स को कल्चर आउट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, इस
पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये एक तरीके का इन विट्रो कल्टीवेशन है, किसका, प्लांट सेल का या टिश्यू का। अब इसकी प्रोसेस क्या रहती है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी डेवलपिंग प्लांट का कोई सेल या टिश्यू लेते हैं, उस टिश्यू को हम पर्टिकुलर एक मीडियम में रखते हैं जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जो रिक्वायर होता है उस पर्टिकुलर टिश्यू या सेल की ग्रोथ के लिए। अब कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या है, वो सेल तेजी से डिवाइड होने लगते हैं और एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कैलस। जब कैलस फॉर्म हो जाता है तो उस कैलस को हम फिर दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। इस दूसरे मीडियम में अब क्या होता है, इस दूसरे मीडियम में भी वही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलोंग विद हॉर्मोन्स, क्योंकि अब वो कैलस की फॉर्म में आ चुका है, तो कैलस को अब आगे फर्दर डेवलप करने के लिए हॉर्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। हॉर्मोन्स इसलिए जिससे कि उसके क्या है, डिफरेंट पार्ट्स को ईजिली पार्ट्स को डेवलप किया जा सके। अब क्या है, इस मीडियम के अंदर ये कैलस हमारा डेवलप हो जाता है प्लांटलेट में, एक छोटे से प्लांट की फॉर्म में। और जब वो प्लांटलेट की फॉर्म में डेवलप हो जाता है तो इस प्लांटलेट को हम सीधे सीधे ट्रांसफर कर देते हैं हमारे सॉइल के अंदर, यानी कि उसके मेन सोर्स के पास जहाँ पे वो पर्टिकुलरली डेवलप होता है। इसके बाद क्या है, वो अपना नेचुरल ग्रोथ में आ जाता है और सर्वाइव कर जाता है। तो इसी तरीके से हम क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को हम कल्चर आउट करके उन्हें प्रिजर्व, उनकी जनरेशन को प्रिजर्व करते हैं, प्लस उनके उनसे ऑप्टेन होने वाली बेनिफिशियल कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट। सो दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर।